हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गैरेज ऑफिशियल। और यहाँ पर होंडा ने बहुत बड़ा पोपट कर दिया है सबका। कब से होंडा अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर टीज कर रहा था कि नई एक्टिवा 7G आ सकती है या फिर एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वेरिएंट आने वाला है। हमने भी इसकी स्टोरी कवर की थी हमारे चैनल पे, एंड सारे ऑटो पोर्टल्स पे कहा जा रहा था कि मे बी ये 7G हो सकती है, मे बी इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकती है। बट होंडा ने सबका पोपट कर दिया है, एंड उन्होंने सिर्फ होंडा 6G का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। तो ये एडिशन में क्या एक्स्ट्रा होने वाला है? तो पहली बात तो ये वीडियो बहुत क्विक और बहुत शॉर्ट होने वाला है। इस वेरिएंट का DLX के ऊपर होने वाला है, ये 1,000 रुपये महंगा होने वाला है। इसका एक्स शोरूम प्राइस 75,500 रुपीज़ है। इसमें तीन कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसमें जो कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, नया कलर स्कीम लेके आया गया है, अलॉय व्हील का डिज़ाइन नया देखने को मिलने वाला है जो गोल्डन कलर का होने वाला है। पर्सनली इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा है। एंड जो होंडा की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7G आएगी या फिर EV वेरियंट आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट 6G का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। ऑलरेडी एक्टिवा इतनी पॉपुलर है एंड इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है, एंड हम सब कर रहे थे कि कुछ ना कुछ नया अपडेट आएगा, नई गाड़ी आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। होंडा ने सिर्फ 6G का नया एक वेरिएंट नहीं कहेंगे, स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है प्रीमियम एडिशन के नाम से। तो इसमें आपको प्राइसिंग सिर्फ 1 से 1.5 हज़ार रुपये महंगी होने वाली है। नए कलर स्कीम्स देखने को मिलने वाला है। ये जो गोल्डन कलर के अलॉयज दिए गए हैं इसमें, ये मुझे पर्सनली अच्छे ज़रा भी नहीं लग रहे हैं। जो इसका इंटीरियर में जो डिज़ाइन दिया गया है, जो सीट के कलर ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा प्रीमियमनेस लाने की कोशिश की गई है। बट मुझे पर्सनली लगता है जो नॉर्मल एक्टिव आती है वो फार बेटर लगती है एज कम्पेयर टू दिस वेरियंट। एंड जो लोग ये सोच कर बैठे थे कि नई एक्टिव आएगी हम उसे बुक करेंगे या फिर नया EV वेरियंट आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मुझे तो लग रहा है जितने लोगों ने भी जाकर कमेंट किया है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड उनके इंस्टाग्राम पेज पे, होंडा की तरफ से एक ही रिप्लाई आया है, स्टे ट्यून फॉर दैट, विल अपडेट यू सून। ये सिर्फ हमको 1 साल से अपडेट ही कर रहे हैं, एंड हमने भी ये स्टोरी कवर की थी। मुझे भी लग रहा था कि शायद से 7G आ जाएगी। इलेक्ट्रिक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मैं सोचा था ना इतना टीज कर रहे हैं, नया डिज़ाइन लेकर आएंगे, नए फीचर्स लेके आएंगे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उधर डिजिटल देना चाहिए, अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, नॉर्मल व्हील्स दिए गए हैं। इसमें आपको अलॉय व्हील, सॉरी, इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलता है, एंड सेकेंडली इसमें चार्जिंग सॉकेट भी नहीं दिया गया है। तो ये बहुत सारी खामियां हैं एक्टिवा में। एंड ये जो प्राइस पॉइंट पे आती है वहाँ पर दूसरे ब्रांड के स्कूटर बहुत सारे फीचर्स दे देते हैं, एंड एक्टिवा यहाँ पर बहुत लेस फीचर्स देती है। एक्टिवा का मेन USP है उसका इंजन परफॉर्मेंस, उसका माइलेज, उसकी रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें तो एक्टिवा की पहले से अच्छी है। एक्टिवा नोन फॉर द पेपे इंजन, वो भी हम सभी लोगों को पता है। बट जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि नया लुक आना चाहिए था, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलना चाहिए था, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलना चाहिए था, चार्जिंग सॉकेट दे देना चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें इसमें अभी भी मिसिंग है, जो एक बहुत बड़ा लेट डाउन है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर उन्हें फेसलिफ्ट वर्जन भी लाना था, जैसे कि ये स्पेशल एडिशन ला रहे हैं, ये फीचर्स आप इंक्लूड कर देते, डिस्क ब्रेक दे देते, क्या जाता, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप DO में भी प्रोवाइड करते हो वो भी दे देते तो भी चल जाता। आप लोग बहुत कम फीचर्स दे रहे हो एंड बहुत ज्यादा और प्राइस भी मांग रहे हो इस स्कूटर के लिए। स्कूटर जी हाँ बहुत बढ़िया है, अनडाउटेडली इंजन परफॉर्मेंस, रीसेल वैल्यू, ब्रांड वैल्यू सब बढ़िया है, लो मेंटेनेंस है, बट फीचर्स बहुत 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 कम है। इसलिए बहुत सारे लोग जुपिटर की तरफ ऑप्ट करते हैं या फिर XS125 खरीद लेते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें नया कुछ फीचर्स लेकर आएंगे, बट अभी एक्टिवा बेसिकली होंडा ने बहुत बड़ा लेट डाउन किया है। मैं तो शॉक हो गया जब मैंने इसके फोटोज देखे, एंड मैं बोला ये क्या है यार, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई गाड़ी आएगी या फिर नए फीचर्स अपडेट कर दिए जाएंगे, फेसलिफ्ट आएगा, बट यहाँ पर होंडा ने सबका पोपट कर दिया है, सबका बेसिकली काट दिया है। तो यही था एक क्विक अपडेट। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ।